कहते शो ला के दिखाओ, कनेडा बढ़ के दिखाओ, असी वो भी लड़े। मैं मेरे पुत नाल गनमैन बन के विचरिया 5 साल, असी कनेडा च भी शो लाए, दिल्ली च भी लाए। सानू बड़े माड़े बंदे साडे विच रहे जिहड़े आप ही फोन करवाउंदे हुंदे सी, आप ही साडियां लड़ाइयां, पर असी उस बाहर थोड़ा मैं टाइम नहीं लैंदा, असी उस चीज़ चो निकल गए। मेरा पुत सुपरस्टार बनिया, दुनिया की चोटी की सैलीब्रिटी बनिया। शायद वह कितने ना कितने अपने आप को कमजोर मानता सी भी ये जिहड़े गुंडे ने इन्हां दीआं फौजां वड्डियां ने, मैनू शायद पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, मैनू शायद इधरों कुछ ना कुछ पावर मिल जाऊगी। उन्हें पैसा उन्हें बहुत कमा लिया सी, ना उहदी अगे बहुत ही पैसा कमाउण दी इच्छा सी। नंबर दो ते मानसा जिले चों जदों उहदी एडमिशन होई, रिजर्वेशन दे कोटे दे तहत होई, उहदे मन दे विच एक इह सी भी थोड़ा जिहा मैं 4 पैसे भी कमाउणा, और जे मैं पॉलिटिक्स नूं अपनावां इस फील्ड च आ के मैं इत्थों दी चंगी सेवा कर सकदा, मैं चंगे कॉलेज चंगे होस्टल इत्थे मैं लिया सकदा, इह सुपना सी मेरे बेटे दा। वो इस रस्ते ते आया, पर इलैक्शन तो बाद थोड़े जे असीं भी रिलैक्स हो गए। सानू मैनू भी ये गल लगी भी जदों इलैक्शन दे विच इन्ने झमेले च नहीं इहनूं मारिया किसी ने, पर हुण खैर सुख रही जाऊ, रहिंदी खूह दी कसर सरकार ने कढ़ती। बलतेज पन्नू इहदा पता नहीं मैं की करजा देना सी, इहने उहदे जिउंदे दे खिलाफ ही पोस्टां पाईआं। इह 28 तरीक नूं सिक्योरिटी हटा लैण दी गल भी करदा, और जदों मेरा पुत नूं 5 बजे जवार के मार दिता जांदा, फिर वो मूसे वाले विवादत गायक ने गोलियां लगियां। मैं हर एक चीज़ के नाल इहने विवादत गायक लिखने लग गए, किन्ना कि विवादत गायक सी मेरा पुत। यार उहने कदे एक गलत गाना नहीं गाया, उहने पग दी गल कीती है, उहने धी भैण दी गल कीती है, कदे कोई मैनू साडा 150-200 गाना इंटरनेट पर चलता है, कोई एक गाना कढ के दिखा दो जिहदे च किसी बच्ची के खिलाफ किसी धी भैण के खिलाफ एक शब्द भी बोलिया होवे, कदे फिर वो भी विवादत गाया। मेरे पुत कोले AK-47 कित्थों आ गई, सारे परचे झूठे। फिर कलाकार कहिंदे भी साडा नाम तुसीं कातों लैंदे हो, ਨਿਰਭੇ ਤੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਧੀ, ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਉਹ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। 5 ਉੱਪਰੋਂ ਥਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 1 ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2-3 ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, 2-3 ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਲੈ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੋਰਡ? ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੂਮ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਬੱਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਘਰ ਪਟਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੋਰਡ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਭਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਉਂਗੇ, MLA ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਾਤਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਟਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਗੋਲੀ ਪੁੜਪੜੀ ਚ ਮਾਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਭ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈਲੈਟਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, UPSC ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, 12,500 ਪਿੰਡ ਹੈ ਯੋਨੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁੱਲ 5,000। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੇਬਰ ਬਣਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਮਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ
आप जी एक सधारण जे पिंड च रहना पसंद किया, शायद इन्ह गलों की सानू सज़ा मिली। जे माहौल कारगर हों तो साड़ी मानसा के आने वाले 5-7 सालों के जोड़े व्डे सुधार होने से शायद साड़ी इलाके की भी इस पक्षों किस्मत माड़ी सी भी असी अपना हीरा सामभ नहीं सके। मैं हूँ इतों ज़्यादा की कह सकता, जिहड़ी गल इंसाफ नूं लेके है 11 महीने लगने वाली इहदे विच की गल सी, एड्डी वड्डी गल नहीं सी, सिंपल जी गल सी, सीधी जे पहले नहीं कट के महीने के विच विच गल निबड़दी सी, पर इहनूं लम्मा खिंचया जा रहा है क्योंकि जिन्हां दे मैं नाम लैंदा उह सारे बंदे पावरफुल ने, उह किसे पक्षों भी दबण वाले नहीं। और जिहड़ा मेरे पुत ते पहला परचा दित्ता सी कैप्टन दा, वह असली जगदीप सिद्धू सी जिन्हें एक मेरे दोस्त नूं भी कहा समझा ला सलारू जी नूं उस्ताद तों माफ़ी मंग ले। मैं हुण भी पेश कर सकदा, दसो किहदा कसूर सी, केवल ते केवल ये गल कहती FIR दर्ज करके सानूं भेजो, की गुनाह कीता सी? इसे गुनाह आही सी भी वह पुत मेरा सी, मेरी बैकग्राउंड नहीं सी वीरों, मैं एक साधारण फौजी सी कन्नम, मैं बेड़ा पूरा करने वाला बंदा सी, उन्हें मेरे घर जन्म ले लिया, काश वो किसी MLA मंत्री के घर जमया हुंदा, मरदा नहीं सी। मेरी औकात छोटी सी, इन्हां दे हौसले पै गए मेरे घर तक बढ़ गए, हथ पा के देखण होर किसी नूं, और सरकारां साडियां लेलड़ियां करदियां ने, वो असी अज जोगी नूं याद करन लग गए। मैं गरंटी करदा लोग सभा दे इलैक्शन होणगे तुसी जोग जी इन्हां ते वोटां पाउण लई मजबूर हो जाओगे, तुसी कहोगे UP साफ है, वो सानू की हो गया, असी किहड़े रस्ते ते पै गए। फिर कहोगे मुकाबले होंदे आ, आ हो गया आ हो गया, मगरों गल्लां करन वाली रह जांदियां ने। हुण दसो जिहड़ियां आ मौतां होईआं इहनां दा की हल है? कला 302 का परचा गिरफ्तार कर लो, जेल भेजता, जस्टिस हो गया? उत्थे जाके इंटरनेट मिलता है, लॉरेंस मिल जू, जग्गू मिल जू, या कोई होर मिल जू, इन्हों का कड़ा एक ग्रुप है? सो भावुक हो जाना कई बार, मैं वध घट बोल जाना, सारे जिन्हें तुसी दूरों नेड़े हो पहुंचे हो, खास करके मैं SGPC के प्रधान साहब, धामी साहब, मैनेजर साहब दमदमा साहब तलवंडी साहब तो, शायद रणवीर सिंह ने मैनेजर साहब, सारे का धन्यवाद करता जिन्होंने सानू लंगर दियाँ और प्रबंध दियाँ सेवाओं के अपना भरमा साथ दिता है। सारे आगू साहबान बख-बख पार्टियों तो, बख-बख यूनियन तो, बख-बख जथेबंदियों तो, सारे तुसी आए हो, मेरे नाल हमदर्दी जताई है, तुहाडा सारे का तहे दिल धन्यवाद करदा।